हेलो एवरीवन, मैं अमरीश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपका यूट्यूब चैनल Study92 अमरीश सर में। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन। तो चलते हैं वीडियो की ओर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, पुष्पी पौधे में क्या लैंगिक जनन होता है? यस या नो होता है? यस, पौधों में अलैंगिक जनन होता है, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं, बोलते हैं हम सभी लोग यस। ओके, यहाँ देखेंगे कि इसके कुछ डिफिनेशन जो है छोटा सा रखा गया है, इसको हम लोग ध्यान से पहले देखेंगे कि लैंगिक जनन के लिए पुष्पी पौधों में फूल या पुष्प की वास्तविक जनन भाग है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि पुष्पी पौधों में फूल या पुष्प की वास्तविक जनन भाग है, क्योंकि इनमें जनन अंग उपस्थित होते हैं। सही बात है कि पुष्प में ही जनन अंग जो है उपस्थित होते हैं, ठीक है, जो जनन क्रिया के लिए आवश्यक है। अतः पादप जनन अंगों को जानने के लिए एक सामान्य पुष्प की रचना का अध्ययन जरूरी है। जो रचना जो है पुष्प का अध्ययन करने के लिए यहाँ पे जो है फिगर के तौर पे आपके सामने रखा गया है। यहाँ देखेंगे कि क्या पुष्प में नर और मादा दोनों होते हैं? आखिर नर और मादा कहाँ होते हैं? आखिर नर और मादा कहाँ होते हैं? ताकि जो है इसके जनन अंग है, इसमें जनन अंग हो सकते हैं, तो नर और मादा होना इसके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे कि यह जो है फूल, फूल के ऊपरी भाग में जो ये आपको दिख रहा है, ये जो भी भाग दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या? पराग कोष। पराग कोष को ही हम बोलते हैं क्या? नर। पराग कोष को ही क्या बोलते हैं? हम नर बोलते हैं। और पराग कोष के जस्ट यहाँ आप देख रहे हैं यह भाग जो है, यह भाग यह स्त्री का भाग है। यह किसका भाग है? स्त्री का भाग है। यह पीला वाला जो भाग दिख रहा है आपको, यह स्त्री का भाग है। यह होता है वर्ती काग्र। क्या होता है? इसको बोलते हैं हम वर्ती काग्र। इसको हम बोलते हैं क्या? वर्ती काग्र। और यह जो वर्ती काग्र जो है, यह क्या है? स्त्री है। तो पुष्प में आपको दो भाग दिखाई दे गया, एक नर और एक स्त्री। तो नर वाले भाग को हम बोलते हैं पराग कोष और वर्तिकाग्र को हम बोलते हैं क्या? स्त्री। ठीक है, नर और मादा दोनों आपको मिल गई, नर और मादा, स्त्री को भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या? मादा। तो नर और मादा दोनों भाग आपको देखने को मिल गया। अब यहां जानेंगे कि इस पुष्प में भ्रूण कहाँ है, यानी कि बीजांड कहाँ होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके पास बीजांड दिख रहा है। इस सब जानने से पहले जो है ना थोड़ा सा डिफिनेशन जानेंगे, और डिफिनेशन जानने के बाद जो है ना हम इसे डिटेल्स में आपको बढ़ाने वाले हैं आज। तो पूरे अंत तक वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आप जीवन में जो है ना कभी नहीं भूल पाइएगा कि पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन किसी सर ने पढ़ाया था, वह चीज मुझे याद है। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सबसे पहले क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो को लाइक नहीं किए हो ना तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो, यानी कि जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो समझ लीजिएगा आप उस पढ़ने में मग्न हो जाइएगा और वीडियो को लाइक करना भूल जाइएगा। तो पहले वीडियो को अभी ही आप लाइक कर लीजिए, और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, हम शुरू करते हैं। तो यहाँ जान लीजिएगा सबसे पहले कि पुष्प के जो है चार प्रकार होते हैं। तो पुष्प के चार प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इस चीज जानेंगे हम कि ब्राह्यदल पुंज होता है, उसके बाद दूसरा होता है दल पुंज, तीसरा होता है पुमंग, और चौथा होता है क्या? जयांग। यानी कि आप यहां देख सकते हैं कि जयांग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बाह्य दल के बारे में जो है हम जानेंगे कि बाह्य दल क्या होता है। इनमें से बाहरी दो चक्रों यानी बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज की सहायक अंग है, ठीक है। इनमें से बाहरी दो चक्रों यानी कि बाह्य दल एवं दल पुंज की सहायक अंग है। उसके बाद दूसरा क्या दिया गया है? दल पुंज। दल पुंज क्या होता है? इनमें से बाहरी दो चक्रों यानी बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज की सहायक अंग है। तीसरा क्या है? पुमंग, यानी कि यह पुष्प का नर भाग है। इनमें कई लंबी लंबी संरचनाएं जो है होती है, निरचनाएं होती है, जिन्हें पुकेशर हम कहते हैं। पुष्प का वास्तविक नर भाग है, ठीक है, यहां जानेंगे। जयांग क्या होता है? कि भीतरी दो चक्रों यानी पुमंग और जयांग की आवश्यकता आवश्यक जो है अंग है। सहायक अंग फूल को आकर्षण बनाने के लिए तथा साथ ही अंगों को रक्षा यह करता है। तो यह छोटा सा डिफिनेशन था
यह छोटा डिफरेंशन नहीं। अब जो है आपको मैं अपने हैंडराइटिंग द्वारा जो है समझाने की जो है कोशिश करूंगा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। अब यहां देखेंगे कि फूल के चार प्रकार। सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं कि फूल के चार प्रकार, चार प्रकार। फूल के चार प्रकार जो है हम यहाँ डिटेल्स में जानेंगे कि फूल के चार प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ नोट करते हैं कि पहला मेरे पास था क्या, वाढ़ दलपुंज। दलपुंज, ठीक है। दूसरा हम लोग के पास क्या था, दलपुंज। तीसरा हम लोग के पास क्या था, उमंग। और चौथा हम लोग के पास क्या था, जयांग। इसके चार भाग जो है हम देखिए इतना बैक करके लिखे हैं, इसलिए क्योंकि कुछ जो है आपको मैं यहां समझाने वाला हूं। तो यहां थोड़ा सा जो है आप रीड अच्छे ढंग से करिएगा, समझिएगा। पहला देखेंगे हम यहां पे कि बाह्य दल पुंज होता क्या है, बाह्य दल पुंज को कैसे जो है आप छोटे वर्ड में जो है इसे याद कर सकते हैं। यस, बाह्य दल पुंज यह कली अवस्था में होता है। सबसे पहले बाह्य दल पुंज कली अवस्था में होता है, कली अवस्था में होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि वार्य दल पुंज सबसे पहले जो है कली अवस्था में जो होता है। यह किस कलर में होता है, इस चीज को जानना है। यह हमेशा हरा रंग का होता है, ठीक है, हरा रंग का होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जो हमेशा नीचे की ओर लटका होता है, जो हमेशा नीचे की ओर लटका होता है, लटका हुआ होता है, ठीक है। और चौथा जो है यहां पे एक पॉइंट और रख लेंगे हम, जो प्रकाश संश्लेषण कर, प्रकाश संश्लेषण कर भोजन प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है। तो ये देख लीजिए कितना अच्छा जो है डिफिनेशन आपके सामने रखा गया है वार दल पूंज के लिए। मैंने आपको बोला था कि इतना अच्छा मैं आपको बता दूंगा जो कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो क्योंकि वार्य दल जो है क्या होता है, तो यह सबसे पहले याद रखिएगा पहला पॉइंट कि सबसे पहले वार्य दल पुंज कली की अवस्था में होता है। आपने पुष्प को देखा होगा, फूल को देखा होगा, तो बिल्कुल यह कैसे किस कली की अवस्था में ऐसे आपको देखने को मिलेगा। यह कली की अवस्था जो है आपके सामने यहां मैंने बनाया कि कली की अवस्था में जो है पहले आपको दिखेगा। यह किस कलर का होता है, तो यह कली जो होता है हरा कलर का होता है। जैसे गुलाब का फूल ले लीजिए, गुलाब का फूल को सबसे पहले आप कली देखिएगा, तो उसकी कली जो है कैसी होती है, हरी कलर का होता है, जो हमेशा नीचे की ओर क्या होता है, लटका हुआ रहता है। यानी कि यहाँ दो एक छोटी सी दो पत्ती उसके साथ बनी होती है, तो यह हमेशा नीचे की ओर जो है क्या होता है, लटका हुआ भाग होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण कर कर भोजन प्रदान करता है। कौन, तो वार्य दल। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वार्य दल पुंज किस अवस्था में होता है, तो आपको याद रखना है कि कली की अवस्था में जो है यह होता है। वह किस रंग का होता है, तो हमेशा जो है यह हरा कलर का जो है आपको देखने को मिलेगा। यह कहाँ लटका हुआ हो रहता है, तो याद रखिएगा कि नीचे की ओर जो है यह लटका हुआ रहता है। यह प्रकाश संश्लेषण कर भोजन प्रदान करता है, एक ऐसे भोजन प्रदान करता है तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है यह भोजन प्रदान करता है। यह जो है दबारी दल पुंज का हो गया। अब देखेंगे कि दल पुंज क्या है, दल पुंज के बारे में जो है थोड़ा सा हम जानेंगे कि दल पुंज क्या हो सकता है। तो दल पुंज जानेंगे कि यह दल पुंज पत्तियों में जो है,
पत्तियों को ही हम क्या कहेंगे, दलपुंज कहेंगे। तो दलपुंज पत्तियों को कहेंगे, हम क्या लिख सकते हैं ऐसे लिखेंगे, अच्छा लगेगा, फूल की पत्ती, फूल की पत्तियों को दलपुंज कहते हैं। सिंपल वे में याद करने के लिए छोटा में लिख सकते हैं, यह कई रंगों का हो सकता है, यह कई रंगों का हो सकता है, यह कई रंगों का जो है हो सकता है, यह भौरों को आकर्षित करता है, यह भौरों को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। और भौरों हो सकता है या कीट हो सकता है, इस सबको क्या करता है, अपने ओर आकर्षित करता है, दलपुंज। तो दलपुंज आप बता सकते हैं कि फूल की पत्तियों को हम क्या कहते हैं, दलपुंज, दलपुंज कहते हैं। ठीक है, ये कई रंगों का जो है हो सकता है, ये भौरों को क्या करता है, आकर्षित करता है। यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक छोटी सी कली हम बना लेते हैं, यह कली जो है आपके पास पुष्प की कली है, ठीक है, ये पुष्प की आपके पास कली है। अब इस कली पे जो है कली बना है, और यह कली जो है भौरों को क्या करेगा, अपने और आकर्षित करेगा। क्यों आकर्षित करेगा बेटा, क्योंकि जब भी फूल खिलता है तो उसमें एक प्राकृतिक क्या होती है, सुगंध आती है, प्राकृतिक सुगंध आती है। वह सुगंध जो है हमारे मनोविकार को जो है दूर कर देता है, और दूर करने के बाद उस जब हम पुष्प को सूंघते हैं तो हमारे अंदर एक अजब सी फील होती है, जो हमारे तन मन को क्या करता है, ताजगी प्रदान कर देता है। तो समझिए उसी प्रकार जो है कीड़े मकोड़े यानी कीट भौरों क्या होते हैं, उस फूल पे आके बैठते हैं, ताकि उसका रस चूसकर उनका भी मनोविकार जो है उत्पन्न हो सके, और उन वो ताजगी महसूस कर सके, और अपना भोजन को अच्छे ढंग से प्रदान कर सके। तो दलपुंज जो है यह समझ सकते हैं कि फूलों की पत्तियों को हम क्या कह सकते हैं, दलपुंज कहते हैं। यह जो है कई रंगों में जो है हो सकता है, ठीक है, यह भौरों को आकर्षित करता है। अब जानेंगे हम पुमंग के बारे में। तो पुमंग क्या होता है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, यस या नो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लग रही है क्लास। या पुमंग क्या होता है, तो पुमंग जो है पुष्प का नर भाग है। सिंपल वे में लिख सकते हैं कि पुमंग फूल का नर भाग होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि पुमंग जो है फूल का क्या होता है, नर भाग होता है। और जो है या जयांग क्या होता है, यह जो है फूलों का मादा भाग है, यानी फूल का क्या है, मादा भाग है, मादा भाग होता है। सिंपल समझ लिए होंगे। अब यहां जो है एक फिगर मैं छोटा सा बनाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे फिगर में मिला दिया, उतना तो आप जानते हैं सभी लोग कि मुझे उतने फिगर बनाने नहीं आते हैं, फिर भी मैं जो है कोशिश आपको कर रहा हूं कि जितना कोशिश हो सके मैं पुष्प का फूल जो है आपको मैं बना के दिखा दूं। चलिए यहां हम देखेंगे ना थोड़ा सा, एक मैं बना रहा हूं, देख रहा हूं अगर बन जाए, कोशिश रहेगी कि कहीं बन जाए, कोशिश है कि बन जाए। चलिए ऐसे ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, हाँ ऐसे ही बना लेते हैं। अब जो है यहाँ पे जो है एक फूल में आप ऐसे देखे होंगे, ऐसे तो आप कोई भी अड़हुल का फूल ले लीजिएगा तो देखिएगा तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे एकदम 101% आपको ऐसे दिखेगा। तो देखिए यह जो भाग होता है, यह वही भाग होता है पुष्प का, यह भाग जो होता है यह होता है क्या, पुकेशर। पुकेशर को आप बोल सकते हैं पुमंग, या इसे आप बोल सकते हैं नर, ठीक है, इसको तीन भाग नाम दे सकते हैं।
यह जो भाग होता है यह होता है, ये लंबा सा भाग जो निकला होता है यह होता है क्या, जयांग। यानी इसे आप बोल सकते हैं क्या, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, या इसे आप बोल सकते हैं मादा। ठीक है, यहीं पे जो है निषेचन क्रिया होती है, यहीं पे जो है निषेचन क्रिया होती है हमारी। तो यहां जो है एक ऐसे हम बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं हम पत्ती। ठीक है, यह पत्ती हो गया। यह जो पत्ती आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक फूल में ऐसे पत्ती नीचे की ओर लटका होता है, ऐसे आप देखे होंगे कि फूल में जो है ऐसे पत्ती लटका हुआ रहता है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, बाह्य दल, बाह्य दल पुंज इसको बोल सकते हैं। यह जो या यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये चीज दिख रहा है, ये पुष्प आसन है। क्या है, पुष्प आसन। इसी पे जो है पुष्प बैठा हुआ रहता है, यानी कि जो है यहाँ पे ये पुष्प आसन बोल सकते हैं इसको, पुष्प आसन, पुष्प आसन, यानी इसी पे जो है पुष्प बैठा हुआ रहता है। आ यह जो है पुष्प का नीचे वाला जो भाग होता है, जहां से हम लोग पुष्प को तोड़ते हैं, उस भाग को कहते हैं वृंत। ठीक है, ये चीज को जान लीजिएगा। और यह जो है इसके आगे, अगर यह पौधे में ऐसे फूल लगा हुआ है, ऐसे ऐसे अगर पुष्प लगा हुआ है, तो इस पुष्प को हम बोलेंगे क्या, दलपुंज। बोलिए, यहां कोई दिक्कत किसी को है या नहीं है, तो फिर जो है एक फिगर के माध्यम से जो है मैं आपको समझा दूं। एक छोटा सा फिगर बनाता हूं फिर एक पुष्प का। चलिए, मैं एक छोटा सा, हंसिएगा मत भाई, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। यहां जो है पुष्प का ये बाहरी भाग हो गया। ठीक है, ये मैंने पुष्प बना दिया। ठीक है, ये मैंने पुष्प को बना दिया। ठीक है, अब यहां पे जो है इस पुष्प से निकलने वाले क्या है, वो केसर पहले हम बनाएंगे एक। ऐसे जो है लंबा देखेंगे, देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसे देखने को मिलता है पुष्प में। ठीक है, तो यह जो भाग होता है, यह भाग होता है पुकेशर का, और यह भाग जो होता है क्या, और वर्तिकाग्र का होता है। पुकेशर जो है, पुकेशर पे कीट बैठता है, पुकेशर कीट पे बैठेगा तो कहाँ जाएगा, वर्तिकाग्र पे। वर्तिकाग्र पे जैसे ही बैठेगा तो यहाँ चिपचिपा सा द्रव भरा होता है, यहाँ चिपचिपा सा क्या होता है, द्रव भरा होता है। यह द्रव भाग जो है कहाँ लेके चला आता है, नीचे की ओर लेके चला आता है। और इसमें जो है यह क्या होता है, वर्तिकाग्र में ही क्या होता है, एक तीन अंडाशय मौजूद होते हैं। कितने अंडाशय मौजूद होते हैं, तीन अंडाशय जो है मौजूद होते हैं। और यहाँ जो है आके जो है स्पर्म आपका यहाँ पे आके बैठा, यानी कि यहाँ से वर्तिकाग्र, पुकेसर पर वर्तिकाग्र आके, पुकेसर पर वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र के द्वारा, यानी कि कीटों के द्वारा, मान लो कीटों के द्वारा जो है, कीटों के द्वारा वर्तिकाग्र से किस पे बैठा है, पुकेसर पर वर्तिकाग्र पे आया है। वर्तिकाग्र पे बैठने के बाद यहाँ चिपचिपा सा द्रव भरा होता है। चिपचिपा सा द्रव भरा होने के कारण जो होता है क्या होता है, कि कीट द्वारा यह निषेचन क्रिया जो है पूर्ण होती है। इसके लिए जो है, मैं अभी थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो उसको डिटेल्स में हम समझेंगे कि कैसे जो है इसमें निषेचन क्रिया जो है प्रारंभ होती है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, तो निषेचन क्रिया के बारे में जो है हम थोड़ा सा यहाँ जानेंगे, निषेचन क्रिया जो है कैसे प्रारंभ हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा हम जानेंगे कि पुकेशर, पुकेशर जान लिए हम, वर्तिकाग्र जान लिए हैं, और पुष्पों में जो है तीन अंडाशय पाए जाते हैं, और तीन अंडाशय का कार्य जो है क्या क्या है, उस चीज को थोड़ा सा हम पहले यहाँ डिटेल्स में थोड़ा सा जान लेंगे, ताकि जो है आपको पूरे अच्छे ढंग से जो है समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो है हम एक नंबर काम करते हैं कि परागण क्या होता है, यानी परागण के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। परागण क्या होता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले कि परागण क्या होता है। परागण, परागण क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा हम जानेंगे कि परागण क्या होता है, परागण किसे कहते हैं, परागण से आप क्या समझते हैं। तो परागण में वर्तिकाग्र तक पहुंचाने को क्या कहते हैं, परागण करते हैं। यानी कि परागण में, परागण में वर्तिकाग्र तक पहुंचाना, पहुंचाना क्या ही, पहुंचाना ही परागकण है, परागकण कहलाता है। ठीक है,
देखिए अब यहां समझेंगे कि परागण में परागण के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना ही क्या कहता है, परागण कराता है। परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो याद रखिएगा परागण जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, स्व परागण। परागण, और तीसरा होता है पर परागण। आप छोटी कक्षा में भी पढ़े होंगे परागण, पर परागण हो गया, यहाँ पे स्व परागण और यहाँ पे क्या मिला आपको, पर परागण। ये दो प्रकार के परागण होते हैं। स्व परागण किसे कहते हैं, स्व परागण किसे कहते हैं, कि स्व परागण उसे कहते हैं कि यह एक ही पुष्प में, यह एक ही फूल में, यानी एक ही फूल में यह क्रिया संपन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्व परागण। और पर परागण क्या होता है, कि पर परागण जैसे समझ लीजिए कि एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक पौधे से दूसरे पौधे में जो है निषेचन क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पर परागण। यानी कि यह जो है स्व परागण जो है, यह एक ही पुष्प में, यह एक ही पुष्प में जो है परागण होता है। यानी यहां लिख सकते हैं आप क्या, कि एक ही फूल लिख लीजिए, फूल में हो जाता है, एक ही फूल में जो है हो जाता है क्या, स्व परागण। यह कैसे होता है, तो यह इसके होने के कारण क्या हो सकते हैं, तो इसके होने के कारण जो हो सकता है, मान लीजिए कि हवा। इसके होने के कारण एक ही परागण में कैसे हो सकता है, तो हवा के द्वारा जो है यह हो सकता है, हवा के द्वारा जो है हो सकता है। और यह परागण क्या होता है, पर परागण, कि यह एक पौधे से, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। यानी कि यह लिख सकते हैं अलग अलग, अलग अलग फूलों से होता है, ठीक है, होता है, यह अलग अलग फूलों से हो सकता है पर परागण। अब देखिए कि स्व परागण अच्छा होता है कि पर परागण अच्छा होता है, तो आपको मैं बता दूं कि पर परागण जो है सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें इसके पर परागण की नस्लें जो होती है बहुत अच्छे पाए जाते हैं। जैसे सपोज मानिए कि एक ही जाति के जो है पुरुष हो या मादा हो, तो उसके आने वाली संतान उसी के अनुरूप रहती है। ये आप सभी लोग जानते हो कि उसकी उसी की अनुरूप रहती है। यानी कि एक ही जाति के नर हो और यहाँ पे मादा हो, और उनकी जो भी कुंडलियां हैं सेम मैच करती हो, तो यहाँ पे हो सकता है क्या कि उसका बच्चा कहीं पिता के साथ समान हो, या माता के समान हो, या उसके फैमिली में किसी के समान हो सकता है। लेकिन पर परागण के दौरान यहाँ पे एक जाति, यानी एक ही जाति के कोई भी व्यक्ति इसमें एक होता है, अन्यथा दूसरा होता है। यानी कि यहाँ पे एक जाति जो है किसी कास्ट की है, और दूसरी जाति जो है किसी कास्ट की है। यानी कि दोनों की जाति जो है मैच नहीं कर रही है, दोनों की जाति मैच नहीं कर रही है। इनकी गोत्र कुछ और है, इनका गोत्र कुछ और है, तो इनके द्वारा होने वाले जो संतान आएंगे ना, वो इनसे कुछ डिफरेंट होंगे, यानी कि तेज हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, पर परागण आपने देखा होगा कि एक ही जाति के जो फूल होते हैं, वह फूल अच्छे ढंग से जो है क्या होते हैं, नहीं होते हैं। यानी उनकी बनावट जो है कहीं ना कहीं टूट फाट दिखने को आपको मिलती है। लेकिन पर परागण की जो है पुष्प एक सॉलिड, बहुत अच्छे ढंग से जो है पुष्प का निर्माण यह करती है, बहुत अच्छे ढंग से पुष्प का यह निर्माण करती है। जैसे कि आप सभी देखे होंगे कि हमारे यहाँ घर के पास जो भी हम पुष्प लगाते हैं, वह अच्छे ढंग से जो है तैयार नहीं होते हैं, उनमें अच्छे ढंग से जो है पुष्प उत्पन्न नहीं होते हैं, बिखरा हुआ भाग दिखता है। वही जब हम नर्सरी से या मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो वह पुष्प को हम देखते हैं कि बहुत सॉलिड, यानी बहुत खूबसूरत सा दिखता है। जैसे कि लिए आप मान लीजिए कि आप किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं, उसे ग्रोज देना हो, तो अपने द्वार से जो है
अपने आसपास से जो है पुष्प तोड़ के दीजिएगा तो वो लेके जाते जाते वो बिखर जाएगा। लेकिन जिस दिन वो हम आप मार्केट से उस पुष्प को खरीद के उसे दीजिएगा तो वह कई दिनों तक वैसा ही बना रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि स्व परागण और पर परागण। स्व परागण एक ही जाति से होता है, पर परागण जो है अलग अलग जातियों से पुष्प को तैयार किया जाता है। अब इसके परागण होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण भी है, परागण होने के लिए कुछ इसके महत्वपूर्ण कारण है कि कैसे जो है स्व परागण और पर परागण जो है अच्छा होता है। स्व परागण से पर परागण अच्छा क्यों होता है? स्व परागण से पर परागण जो है कैसा अच्छा होता है, इसे बेहतरीन क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि बेटा यहाँ हम थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो है हम कुछ पुष्प को बना लेते हैं, यानी कि एक ही पुष्प को बनाते हैं। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा पुष्प को हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे पुष्प का निर्माण करता हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पर परागण का पुष्प तैयार है आपके पास, ठीक है। यह पुष्प की निषेचन क्रिया इसके साथ हुई, इस पुष्प की निषेचन क्रिया इसके साथ हुई, तो यह परागण जो है इसको मानते हैं अगर ए, इसको मान लेते हैं हम बी, तो ए की क्रिया किसके साथ हुई है? बी के साथ हुई है। तो इसी के आकार का यह पुष्प होगा, लेकिन बी की क्रिया पर परागण के साथ किया जाए, यानी कि सी के साथ यहाँ किया जाए, तो इससे होने वाले जो पुष्प होंगे ना बहुत सॉलिड, बहुत अच्छे ढंग से जो है तैयार होंगे। इसलिए तैयार होंगे क्योंकि इनका जो है डीएनए इनके डीएनए के साथ जो है अच्छे से मैच नहीं करेगा। अब जब अच्छे से मैच नहीं करेगा तो समझिए कि इनका प्रोसेस, जो इनके पूर्वज थे और इनके कुछ पूर्वज थे, ये दोनों में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। यानी डिफरेंट होने का कारण जो है कि आने वाली पीढ़ी जो है कुछ डिफरेंट होगी, यह बात बिल्कुल फिक्स है कि एक ही फैमिली के जितने भी मेंबर हैं अगर दूसरी फैमिली के मेंबर के साथ जो है क्रिया करते हैं तो उनकी आने वाली पीढ़ी जो है वो बेहतरीन होगी। यह बात बिल्कुल 100% जो है बिल्कुल यह सत्य है। अब परागण होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके मुख्य लक्षण कैसे होते हैं, यह परागण कैसे करेगा कि यहाँ पे जो ये पुष्प है यहाँ पे कैसे पहुंचेगा, अब यह पुष्प है तो यहाँ पे कैसे पहुंचेगा, इसके कुछ कारण होते हैं। तो किसके द्वारा सबसे पहले पर परागण के मुख्य परागण, कुछ मुख्य परागण होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो याद देख लीजिएगा कि कीटों के द्वारा ये हो सकता है, कीटों के द्वारा जो है यह क्रिया हो सकता है। यानी कैसे कि इस पे जो है कीट आके बैठा और यहाँ की रस चूसा, और कीट के पैर जो होते हैं कैसे होते हैं, उनके कीटों के पैरों में बहुत ज्यादा बाल होते हैं, और वह बाल जो है आपके पास वर्तिकाग्र पे पुकेशर पे जो है आके बैठा है या परागण पे आके बैठा है, और परागण से जो है रस को चूसा, और रस चूसने के बाद जो है यह कीट जाके कहाँ आ गया, इसके किस पे, वर्तिकाग्र पे आके बैठ गया। तो इसमें वर्तिकाग्र का जो है छुट्टी बैठो, इसका जो है वर्तिकाग्र पे आके बैठा है, सॉरी परागण पे आके बैठा है और इसके वर्तिकाग्र पे जाके पहुंचा है, तो इसने निकलने वाले स्पर्म को लाकर कहाँ रख दिया है, यहाँ वर्तिकाग्र पे लाकर रखा है। वर्तिकाग्र से जो है उसका स्पर्म, परागण का स्पर्म यहाँ जाके प्रवेश करता है, नीचे की ओर गिरता है, और यहाँ ऑलरेडी जो है अंडाशय तैयार रहता है। यहां से दो स्पर्म जो है, दो स्पर्म आया और इसके साथ जो है एक स्पर्म और एक अंडाशय मिल गया, एक अंडाशय और एक स्पर्म जो है मिल गया, और इसका एक जो है क्या, स्पर्म और यहाँ के दो अंडाशु मिलके एक युग्मनज का निर्माण कर दिए, यानी कि यहाँ की पुष्प जो है अब तैयार होना शुरू कर दिए। अब इसे भोजन देने की आवश्यकता है, तो यह दोनों मिलकर जो है इसे भोजन प्रदान करना प्रारंभ करेंगे। उसके बाद जो है आप बोल सकते हैं कि पक्षी के द्वारा जो है यह क्रिया संभव हो सकती है। पक्षी भी इस पुष्प पे आके बैठेगी और इस पुष्प पे बैठने के बाद जो है कहाँ जा सकती है, इस पुष्प आ सकती है, तो यह पुष्प भी और क्रिया परागण की हो सकती है। जैसे वायु के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है,
सिंपल प्रोसेस देखा जाए तो जल के द्वारा जो है हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है। हम क्या करते हैं कि जल के द्वारा कैसे हो सकता है कि जल के द्वारा जो है होने का कारण क्या होता है कि हम पुष्प के ऊपरी छोर पे जो है पानी देते हैं और उससे पानी से निकलने वाला जो है वह परागण कहाँ चला जाता है, वर्तिकांग पे जाके चिपक जाता है। तो चिपक जब चिपक जाएगा तो वहां जो है पुष्प का निर्माण हो जाएगा, फिर जंतुओं द्वारा भी जो है हो सकता है। तो यह प्रक्रिया जो है जंतु के द्वारा भी यह पूरी क्रिया हो सकती है। तो इनके द्वारा जो है पुष्पों में लैंगिक जनन प्रारंभ होता है, कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा और जंतुओं के द्वारा जो है यह क्रिया पूर्ण होती है। तो अब आप समझ लिए होंगे पुष्प का निर्माण जो है किस प्रक्रिया द्वारा जो है होता है। तो आप बिल्कुल ये समझ लिए होंगे। अब यहां देखेंगे कि निषेचन जो है पुष्प में कितने प्रकार से होते हैं और थोड़ा सा यहां जान लेंगे निषेचन। निषेचन जो है पुष्पों में कितने प्रकार से होते हैं, तो यहां ध्यान देखिएगा कि यहां किसके तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, युग्मक, दूसरा क्या होगा युग्मनज, और तीसरा होता है क्या आपका भ्रूण। ठीक है, इस चीज को याद रखा है, युग्मक, युग्मनज और भ्रूण। देखिए युग्मनज क्या होता है, युग्मनज जो है अकेला होता है, इस चीज को याद रखिएगा, अकेला होता है। युग्मनज क्या होता है, दो, यानी कि अकेला है तो यहां पे दो मिल गए, और भ्रूण तो आप समझते ही हैं गर्भ। ठीक है, आप समझ लिए होंगे कि अकेला युग्मन क्या होता है, अकेला होता है। अगर यहां कोई एक व्यक्ति है, सपोज मानिए कि यहां एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, यह अकेला है और इसके साथ जो है एक, मान लीजिए कि सपोज मानिए कि एक यहां पे स्त्री आ गई, यानी कि मादा आ गई, ठीक है, यह मादा आ गई, यह मादा आपके पास यहां देखने को मिल रही है, तो यह बिल्कुल अकेला है। तो यह अकेला है तो क्या है, युग्मक है। यह दोनों जाके आपस में मिल गए तो क्या हो गए, युग्मनज का निर्माण हुआ। अब यह दोनों जब मिले हैं तो छोटे बीबी का जो है क्या होगा, निर्माण होगा, यही होता है क्या आपका भ्रूण। तो आप समझ लीजिए कि भ्रूण क्या होगा कि एक बच्चा होगा, बच्चा कैसे होगा, युग्मनज से होगा। युग्मनज कैसे होगा बेटा, तो यह नर मादा के, मादा जो है नर के साथ मिलेगी तो युग्मनज बनेगा। अगर यह अकेला बेचारा बैठा है तो यह क्या होगा, युग्मक होगा। ये सिंपल वे जान लीजिए कि ऐसे ही निषेचन क्रिया होती है, पुरुषों में भी ऐसी होती है और पुष्पों में भी जो है यही क्रिया होती है। अगर यह पौधा अकेला है, यह पौधा आपका अकेला है, तो समझिए क्या कि यह जो पौधा अकेला है, तो यह पौधा जो है अकेला है तो समझिए ये क्या है, युग्मज है। यह दोनों आपस में आकर यहां मिल गए हैं तो यह क्या हो गए, आपके युग्मनज हो गए, और तीसरा यह चीज जो है उत्पन्न हो रहा है तो यह चीज जो क्या हो गया, भ्रूण हो गया। तो इस अकॉर्डिंग जो है यह पुष्पों में लैंगिक जनन होता है। यानी सिंपल वे में भी आप इसे नोट करना चाहते हैं तो देखते हैं कि स्लाइड है, हाँ है। तो यहां पे जो है एक याद रखने के लिए आपको मैं बता दूं कि निषेचन क्रिया में अंडाशय होती है। सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि यहाँ पे मैं लिख दूँ युग्मनज, यानी कि इसके तीन भाग होते हैं किसके, निषेचन के। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में चलता हूँ, ठीक है। निषेचन, निषेचन के तीन भाग, पहला क्या होता है युग्मक, तीसरा क्या होता है युग्मनज, और तीसरा हो जाएगा आपके यहाँ पे भ्रूण। निषेचन के तीन भाग, ठीक है, निषेचन के कितने भाग, तीन भाग, युग्मक, युग्मनज और भ्रूण। ठीक है, अब निषेचन हम जानेंगे, थोड़ा सा निषेचन के जान लेते हैं। निषेचन क्या होता है कि निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है, पराग कण के फलस्वरूप, पराग कण के फलस्वरूप दो नर
युग्मक। अंडाशय में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं, ठीक है, प्रवेश करते हैं। उनमें पहले से तीन मादा अवस्थित रहती है, ये चीज लिख लीजिएगा। इनमें पहले से तीन मादा अवस्थित होती है, अवस्थित होती है, ठीक है। यह निषेचन का डिफिनेशन ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि वहां से दो अंडाशय, दो वृषण जो है उसके अंदर आते हैं, और तीन अंडाशय जो है उसमें मौजूद रहती है। तो यहाँ पे जो है पॉइंट अगर बना के आप लिखना चाहते हैं तो पॉइंट बना के भी जो है आप नोट कर सकते हैं। तो इसको पॉइंट बना के जो है आप नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो है निकाल लिख देता हूँ कि नर, चाहे बोल देता हूँ, समझ लीजिएगा कि एक नर युग्मक एक मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक नर युग्मक एक मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, का युग्मज बनाते हैं, लिख लेते हैं, सही अच्छा रहेगा, बनाते हैं, ठीक है। अकेला पुरुष जो है युग्मनज, युग्मनज कब रहता है, जब एक नर नर हो और एक मादा हो, तो क्या करता है, एक नर और एक मादा रहेगा तो किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मक किसे कहेंगे, जो अकेला रहेगा, स्वयं अकेला है, उसे युग्मक कहेंगे। यहाँ पे दो मिल गए तो युग्मनज का जो है निर्माण हो गया। और युग्मनज के निर्माण के बाद जो है क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ लिख लीजिए, युग्मनज बड़ा होकर भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। ये हो गया। अब भ्रूण विकसित होकर क्या बनाता है, फल बनाता है। भ्रूण विकसित होकर फल बनाता है, फल बनाता है। तो इस प्रोसेस से अगर आप करिएगा तो बिल्कुल जो है सिंपल वे में जो है आप कर सकते हैं। हाँ, तो याद रखिएगा कि एक नर जो होता है अकेला हो तो वह करता क्या होगा, युग्मक होगा। अगर उसके साथ दो मिल गए यानी नर और मादा मिल गई तो हो जाएगा क्या, आपके पास युग्मनज हो जाएगा। अब यह दोनों जब मिल गए तो यह भ्रूण का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। जब भ्रूण का निर्माण हो जाएगा तो यह फल बन जाएगा। यानी कि अगर हम अपने पे बात करेंगे तो अगर हम स्वयं अकेले हैं तो युग्मक हैं, अगर हमारे साथ कोई मादा मिल गई तो युग्मनज का निर्माण होगा, और जब हम दोनों एक साथ मिल गए तो क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। अब भ्रूण के निर्माण होने के बाद 9 महीने माँ अपने पेट में जो है बच्चा को रखेगी, तो बच्चा जब बाहर आएगा तो वह क्या हो जाएगा, बच्चा बन जाएगा। तो इस प्रोसेस से जो है अगर आप इसे याद करते हैं तो कोई जो है आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप लोग के यहाँ तक की वीडियो जो है आप लोग को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ देखेंगे अब टॉपिक जो है आपके पास है, पुकेसर के दो भाग होते हैं। तो पुकेसर के कौन से दो भाग होते हैं, तो यहाँ देखेंगे पहला होता है तंतु, दूसरा होता है क्या, परागकोष। पहला होता है क्या, तंतु, दूसरा क्या होता है आपके पास, परागकोष। यानी कि तंतु क्या होता है, जो लचीला पतला लंबा तथा डोर के समान होता है, जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है, तथा तथा के बाद जो कि देखेंगे, तथा के बाद पराग कोष में जो तंतु का अग्रभाग में अवस्थित रहता है, जब आप किसी फूल के पुकेसर से स्पर्श करते हैं तो आपके हाथ को पीला पाउडर की तरह पराकर लगा लग जाता है, जो पराकोष से निकलता है। आपने पुष्प बहुत सारे देखे होंगे और उसके ऊपरी भाग पे जो है ना हल्का पीला पीला सा जो रहता है, और वह पीला सा भाग जो होता है ना वही होता है क्या, आपका पराकोष।
वही क्या होता है आपका प्राकोष होता है। वह प्राकोष जो है कहाँ जाता है, वर्तिकाग्र पे जाता है, और वर्तिकाग्र पे जाने के बाद जो है वह वहीं पे से निषेचन क्रिया जो है प्रारंभ करता है। तो उसके बाद तीसरा टॉपिक रखा गया है आपके पास जयांग या गाइनोसियम या पीसीटल, या पीसीटल किसे कहते हैं, इसके तीन नाम होते हैं, जयांग बोलिए या गाइनोसियम बोलिए या पीसीटल बोलिए, या एक से अधिक स्त्री केसर या कॉपेक्स से बना होता है। जयांग पौधे का मादा भाग है, ठीक है। स्त्री या तो अकेले या अनेक और एक दूसरे से पृथक या जुड़े हुए भी हो सकते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में तीन भाग होते हैं, पहला क्या होता है अंडाशय, उसके बाद दूसरा क्या होता है वर्तिका, और तीसरा क्या होता है आपका वर्तिकाग्र। तो सबसे पहले जो है वर्तिकाग्र पे आता है, उसके वर्तिका का निर्माण करता है, और वर्तिका से होते हुए अंडाशय में चला जाता है। अंडाशय में जाने के बाद जो है भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के निर्माण होने के बाद जो है फल बनता है। उसके बाद जो है हम रखा है कि अंडाशय क्या होता है, यह स्त्री केसर का आधारीय भाग है जो पुष्पासन से क्या होता है जुड़ा हुआ भाग होता है। अगर फूल की कली है, उसी फूल की कली में जो है क्या होता है पुष्पासन मार्ग बना रहता है। और पुष्पासन मार्ग कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ यह पुष्पासन मार्ग है, और इसपे जो है क्या होता है इस आकार का जो है आपको यहाँ पे देखने को ऐसे मिलता है, ऐसे, यही जो है पुष्पासन मार्ग है। इसको हम क्या बोलेंगे, पुष्पासन मार्ग, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। उसके वर्तिका या स्टाइल क्या होता है, तो अंडाशय समानता फूली हुई संरचना होती है जिसमें एक लंबी एवं पतली वृत्त जैसी रचना निकलती है, जिसे वर्तिकाग्र या स्टाइल हम कहते हैं। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्तिकाग्र का स्टाइल्स क्या होता है, यानी कि वर्तिकाग्र कहाँ पे जो है स्थित होता है, इस चीज को जानना जरूरी है आपके लिए। तो वर्तिकाग्र जो है इसके शरीर से यहाँ से जो है पतला एक भाग निकल के ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहां से जो है उसका वृष्ण जो है यहाँ की ओर आया है, यहाँ ऑलरेडी वर्तिकाग्र में अंडाशय में तीन मौजूद होते हैं, क्या आपके अंडाशय, ठीक है। वर्तिकाग्र या सिस्टमा क्या होता है, वर्तिकाग्र के शिखर पर फूली हुई छोटी पतली और चिपचिपी रचना होती है, जिसे वर्तिकाग्र या सिस्टमा कहते हैं। अंडाशय के भीतरी बीजांड की निश्चित रहती है, बीजांड अंडाशय का अंडोदरी भीतरी से जुड़ी रहती है, बीजांड के भीतरी भ्रूण कोष होता है जो मादा युग्मज के अंडारू बनता है। यानी कहने का मतलब जो है कि यहाँ पे जो है चिपचिपा सा या दर्भ भरा होता है, यहाँ पे चिपचिपा सा दर्भ रहता है, और इसी दर्भ पे जो है कीट आके बैठ जाते हैं, कहाँ से पराग से आके इस पे कीट जो है आके बैठ जाते हैं, और इस बैठने के बाद जब ये उड़ के जाते हैं तो यहाँ पे यह चिपचिपा सा दर्भ में जो है क्या होता है वृषण प्रवेश करके यहाँ पे नीचे की ओर जाके चला आता है। तो यहाँ पे दो ही जो है वृषण जो है प्रवेश करता है, ठीक है, और ऊपर ही सब जमा हुआ रहता है। उसके बाद परागकण क्या होता है, तो परागकण देखेंगे कि परागकणों का प्राकोष से निकलकर उसी पुष्प या उसी पौधे की दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को परागकण कहते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण क्या कहते हैं, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह स्वपरागण कहलाते हैं। और परपरागण, जब एक पुष्प के परागण दूसरे पौधे की स्थित पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचाते तो इस पर परागण कहलाते हैं। अब हम निषेचन जानेंगे कि निषेचन क्या होता है, कि परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के बाद निषेचन क्रिया जो है प्रारंभ होती है। नर युग्म में मादा युग्म के संगलन को निषेचन कहा जाता है। परागण वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के बाद वर्तिकाग्र के सतह से पोषण पदार्थ अवशोषित कर वृद्धि करता है। वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित रसायन प्रभाव सर्वप्रथम परागण के नली निकलती है, जिसे प्रागनली कहते हैं। प्रागनली के सिरे पे एक विशेष प्रकार की किण्वन लगी होती है, जिसे वर्तिकाग्र पर ऊतकों से गला देता है, और उसे नलिका आसानी से बढ़कर वर्तिकाग्र में पहुंचाने में बीजाड़ में जो है क्या करता है, यह प्रवेश कर देता है। यहाँ देखेंगे पुष्प के अनुसार अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे दिया गया है। देखिये यहाँ पे जो है भ्रूण में अंडाशय जो है यहाँ पे मौजूद है, इसपे से जो है यहाँ पे आपके पास बीजाड़ आएंगे, और यह बीजाड़ एक बीजाड़ और दो एक बीजांड और एक क्या बोलते हैं अंडाशय मिलकर जो है भ्रूण का निर्माण करेंगे, और एक बीजांड और दो जो है क्या दो
अंडाशय और एक बीजाणु मिलकर इसे पोषण प्रदान करेंगे। यही प्रक्रिया जो होती है, देखेंगे यहाँ पे जो है ऊपरी भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र, और यहाँ जो दूसरी भाग से निकला हुआ है उसे हम बोलते हैं प्राकोष, या जो है उसके लंबी से लाइन दिखे उसे बोलते हैं हम तंतु, या पुरुष भाग होता है या स्त्री का भाग होता है। और इसके बीच वाले यहाँ पे जो भाग दिखा रहा है आपको वो होता है वर्तिकाग्र, उसके बाद जो है या ब्लैक कलर का दिख रहा है यह होता है अंडाशय। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप सभी लोग को क्लियर होगा। कोई भी किसी को दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपने जो पढ़ाया है वो अच्छे ढंग से मुझे समझ में नहीं आया है। अगर नहीं आया होगा तो फिर से जो है न्यू स्टाइल से जो है आप लोगों को वीडियो बना दिया जाएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में थोड़ा सा एक दिन जो है आप मेहनत करिए और आप जो है ना सभी के पास जो है इस वीडियो को शेयर करिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।